क्यों नहीं पूछ लिया? बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का गौरव जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ये गलत नहीं है सर, आप बोल ली। पांचवी बात पूछ रही हूँ आपसे, और ये सारे बच्चे सर, एक मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज मत दबाइए, मेरी आवाज मत दबाइए। यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? है कि 1984 के जो दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस बानो इसका उत्तर नहीं देना, बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए, मैं तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ। डांटिए मत सर, आप खड़ा भाई डांट डांट रहे हैं, चुप हो जाइए। क्या होता है, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? कृपया करके, ठीक है, हो गया सर। टाइटलर का पेपर देख लिया, क्यों? ये कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब जब चर्चा होती है, तब तब सवाल इस पर पूछा जाता है। क्या बात है अंजना जी, पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। खत्म। मेरी डिबेट जो है आपसे नहीं है अंजना जी, आपसे एक बात, लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, मैं दूंगा, और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला। अब मैं आपको उत्तर दे दूँ, हर इंसान की जान की कीमत बराबर है, धर्म नहीं देख सकते। हर महिला की अस्मिता की कीमत बराबर है, जो अस्मिता होती है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के नहीं की जाती। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मेरा सिर्फ एक आपत्ति है और उसके बाद मैं उत्तर भी दे देता हूँ, क्योंकि यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। जो उस हमारी बहन के साथ हुआ है उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेके ये विश्वास, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी सिपाही हूँ, मैं कहता हूँ कि उस महिला को इंसाफ मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे सरकार हो। लेकिन कानून के तहत हुआ, ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ। और कानून ये था कि अब आप उत्तर दीजिए 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। बदतमीजी मैडम, यहाँ पे जवाब देना इसलिए जरूरी है, ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी, और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति भाजपा के दो एमएलए ने उस कमिटी में रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है? और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से, आपकी लड़कियां हैं ना, मुझे पता, और मेरी भी बेटी है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सारी बहनें मेरी बहनें, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या 5 साल की बच्ची की फोटो लगानी चाहिए पब्लिकली? Apologize to the nation, माफी मांगो इस देश से। आप सब अपना फोन उठाकर इस ट्वीट के नीचे पढ़िएगा, आप जिस उम्र की हैं, एक दिन ये बच्ची बड़ी होकर इस उम्र की होगी। जो कमेंट्स इस ट्वीट के और पोस्ट के नीचे हैं, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगला सवाल, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या इंसानियत कानून से बड़ी हो गई सर? आपकी सरकार ये बोल के आई थी कि एक 16 साल की लड़की भी यूपी में गहने पहन के निकल सकती है, पर हम क्या देख रहे हैं सर? इनको ये मालूम नहीं है, वक्त बदल चुका है जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।